आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैनवा को इस्तेमाल करते हुए इसमें एलिमेंट्स का क्या रोल है और एलिमेंट्स में और फर्दर कौन कौन से फीचर हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स मौजूद कहाँ पे होते हैं। ये आपका जो मास्टर इंटरफेस है, यहाँ से आप होम को क्लिक करके जब आपका ये मास्टर इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था आप कोई भी फेसबुक की कोई पोस्ट वो अगर या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट देखना चाह रहे हैं या जिस किस्म की भी पोस्ट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। वंस आप पोस्ट जब अपना एडिटेबल प्रोग्राम में कोई भी पोस्ट खोल लेते हैं, जिस तरह मैंने अभी एक रमज़ान की एक पोस्ट है वो मैंने खोली है, तो यहाँ पे आपको जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक पैनल नज़र आ रहा है जहाँ पे डिज़ाइन है और बिल्कुल उसके नीचे आप देखें एलिमेंट्स हैं। आज का हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो एलिमेंट्स ही हैं। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये स्टार्स हैं, इस तरह आप देख रहे हैं कि ये वाले जो स्टार्स हैं इसमें ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स, और ये जो नीचे आपको इमेज नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। इनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है हम ये भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब एलिमेंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइंस एंड शेप्स। आप कोई भी चीज़ अगर ढूंढना चाहें तो यहाँ से आप जो सर्च एलिमेंट्स हैं इस बार में लिख के भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढने के लिए भी पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें मौजूद है क्या क्या, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम ढूंढ सकते हैं फिल्टर करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है लाइंस एंड शेप्स। आप जब लाइंस एंड शेप्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ लाइन के पैटर्न नज़र आ जाते हैं, लाइन के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं आपके पास, और यहाँ पे फिर शेप्स हैं। इन शेप से ही अगर आप देखें, अगर आप बहुत सारी पोस्टें अगर आप देखना चाहें, मैं डिज़ाइन में अगर जाता हूँ तो ये अगर पोस्ट देखें तो हर पोस्ट के अंदर ये कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं, ये भी शेप्स हैं, ये सर्कल भी शेप है। इसी तरह इसमें देखें ये जो लाइनें हैं ये भी इसी में से उठाई गई हैं, ये वाली जो लाइनें आप नज़र आ रही हैं ये भी आपको इसी तरह नज़र आती हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये भी इसी लाइन में नज़र आता है। तो ये सारी की सारी जितनी पोस्ट में आपको चीज़ें यूज़ होती हुई नज़र आती हैं, जिस तरह ये टॉप पे आपको ये देखें ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, उसके बाद ये नीचे ये एक जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह इस पोस्ट में देखें ये वाली जो लाइनें टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ये आपको एलिमेंट्स के अंदर मिलती हैं। अगर आप एलिमेंट्स में जाते हैं और लाइंस एंड वर्क्स में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइंस मिलेंगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप सिंपली इस लाइन को क्लिक करेंगे तो ये देखें पोस्ट के अंदर आपके पास ये एक लाइन नज़र आ गई है। बल्कि इसको और क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको ये बाकी एलिमेंट्स नज़र ना रहे हैं और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ वही एलिमेंट नज़र आए ताकि आपको उसको अच्छे से उसकी समझ आ सके। यहाँ पे नया एक फ्रेम खोलने के लिए, नया फ्रेम साइज फाइल खोलने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ऐड पेज। ऐड पेज को जब आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इसी साइज का जिस साइज का आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ था ये एज इट इज यहाँ पे एक खाली पेज ओपन हो जाएगा। अगर ये टॉप पे देखें तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट का आइकॉन भी है, अगर यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो ये जो सेम पोस्ट है बिल्कुल जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये इमेज भी है, ये जो आपके पास डिफरेंट शेप्स आप यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी आपको डुप्लीकेट करके एक दूसरी फाइल में दे देगा। इसी तरह यहाँ पे आप ऐड पेज जिस तरह आप यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल एक यहाँ पे भी ऐड पेज आपको टॉप पे एक बटन नज़र आता है, आप यहाँ पे भी इस पेज को क्लिक करके एक नया पेज खोल सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया आप इस ऐड पेज को क्लिक करेंगे तो ये एक बिल्कुल एम्प्टी पेज आपको नज़र आ जाएगा। इस एम्प्टी पेज का जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो वाइट है। आप यहां से इस वाले टैब से बिल्कुल टॉप पे अगर आप देखें पोजीशन के साथ इस टैब पे आप क्लिक करके आप इसको अपनी मर्जी का कोई कलर दे भी सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। फिलहाल मैंने इसको वाइट ही रखा है। अब आप जब लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लाइन ऑटोमेटिक यहां पे आ जाती है, उसके आपको एंड पे दोनों एंड पे आपको एक सर्कल नजर आ जाता है, ये बेसिकली इसके पॉइंट्स हैं। आप इनको पकड़ के जितना मर्जी लाइन को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट हो तो आप शिफ्ट पकड़ के अगर आप इसको लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, और अगर आप इस लाइन को रोटेट करना चाहते हैं
तो अगर आप ऑल्ट या ऑप्शन का जो ऑप्शन है बटन इसको प्रेस कर देंगे तो ये रोटेट भी हो जाएगा। उसी तरह जब आप इसको अंदर की तरफ करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा और जब बाहर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका साइज बड़ा भी हो जाएगा। आप इसको इसके अगर डिफरेंट सेटिंग में देखें आपको एक विड्थ खास तौर पे एक ब्लैक लाइन की नजर आ रही है। ये यहाँ पे अगर टॉप पे लाइन कलर देखें तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका कलर अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। मैंने ये येलो कर दिया है, अगर आप कोई और कलर रखना चाहें, ये रेड करना चाहें तो ये मैंने रेड कर दिया है। उससे आगे आप देखेंगे लाइन का स्टाइल, इनके यहाँ पे लाइन के बहुत सारे स्टाइल्स भी मौजूद हैं। आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट लाइनें आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन नज़र आ गए हैं। फिलहाल जो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है ये सिंपल लाइन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप इसकी इसकी जो लाइन का वेट है यानी कि इसकी जो विड्थ है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ से बढ़ाता हूँ तो यहाँ से आप लाइन की विड्थ अपनी तौर पे एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको लाइन कितनी रखनी है। इसी तरह जब इससे आगे जाएं तो आपको देखिए डैश में दो डैश आपको नजर आती हैं। जब आप इसको करते हैं तो ये डैश में आपको लाइनें देना शुरू कर देता है। इसी तरह जब लाइन का वेट कम करेंगे तो आपको ये स्केल में बड़ा और छोटा होता हुआ भी ये नजर आएगा और आपको ये डैश में ये लाइनें नजर आएंगी। इसी तरह ये फर्दर हैं जो डैश में ही है ये भी, लेकिन ये मल्टीपल डैशेज हैं जिसके जरिए लाइन बना रहा है। इसी तरह ये डॉट्स के साथ भी आपको ये काम कर रहा है। देखें एक रेक्टेंगल डॉट है, अगर मैं इसको बड़ा यहाँ से करूँ, यहाँ से मैंने बताया आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखें रेक्टेंगल में भी कर सकता है। अगर आप सारी की सारी चीज़ें, ये जो एक एलिमेंट है आपको जो एक रेक्टेंगल ये वाला नज़र आ रहा है, अगर आप इसको डॉट्स की सूरत में जाना चाहें यानी कि एक सर्कल की सूरत में लेके जाना चाहें तो यहाँ पे राउंडेड एंड पॉइंट्स है। आप इसको चेक को ऑन कर दें तो ये अब लाइनों में होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा करें तो फिर जितनी भी पहले डैश नज़र आ रही थी वो आपको रेक्टेंगल की सूरत में थी और अब आपको वो सारी की सारी चीज़ें देखें ये राउंड में नज़र आना शुरू हो गई हैं, इस तरह करके राउंड में। इसी तरह अगर आप इसके फर्दर देखें तो आगे कुछ लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट दिए गए हैं। आप अगर इस लाइन को क्लिक करें तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिलहाल तो बिल्कुल एक जो नॉर्मल लाइन होती है उसी तरह है। अगर आप इसको स्पेसिफिक कोई टच देना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट ये देखें आपको स्टाइल दिए गए हैं। आप इस तरह का इसको लाइन का स्टार्ट भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको एरो को क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे एरो आ जाएगा। अगर मैं इसको सर्कल को क्लिक करता हूँ तो सर्कल आ जाएगा। अगर डॉट को क्लिक करता हूँ तो डॉट आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप जो भी यूज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ये है एंडिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट। इसी तरह बिल्कुल इसी लाइन का एक एंडिंग पॉइंट भी होता है जहाँ पे लाइन एंड करती है। वो उसका जो शेप होगी, उसकी जो लुक होगी वो कैसे होगी वो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको सर्कल से करना चाहूँ, यहाँ पे इसको एरो के साइन से करना चाहूँ या डॉट से करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन के टाइप नजर आना शुरू हो जाती हैं कि आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए या एल्बोड लाइन चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आपको आगे एनिमेशन है। एनिमेशन मैंने आपको बताया, मैं पिछले 2-3 वीडियो से एनिमेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ। जब इस एक वीडियो के बाद जब अगली वीडियो में हम जाएंगे, अगली एक दो वीडियो में, तो हम देखेंगे ये सारे काम जो हम स्टिल में कर रहे हैं ये सारे के सारे हम एनिमेटेड भी कर सकते हैं। आप पोस्ट भी एनिमेटेड टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं, एनिमेटेड टेम्पलेट को एडिट भी सेम उसी तरह कर सकते हैं और फिर उसको अपनी मर्जी से आप शेयर और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हम अगली वीडियो में जाके देखेंगे। तो ये हो गया लाइन। इसी तरह जब आप लाइन में जाते हैं, वापस मैं दोबारा एलिमेंट्स में आता हूं, तो यहां पे अगर आप लाइन में देखें लाइन एंड शेप्स और यहां पे सी ऑल है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे या यहां पे एरो है तो यहां पे इसके सारे ऑप्शन आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। वरना आप सी ऑल को क्लिक कर दें तो यहां पे आपको सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आप यहां से भी अपनी मर्जी का जो लाइन है वो यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की हुई है, इस तरह ये आप क्लिक करें तो ये लाइन भी यहां पे ड्रॉ हो जाती है। मैं लाइन डिलीट कर देता हूं। इसी तरह मैंने ये एक लाइन क्लिक की तो ये भी लाइन आ गई। तो यहां पे भी आपको बाय डिफॉल्ट शेप्स मिल जाती हैं। अगर आप सिंपल ये वाली लाइन ड्रॉ करके यहां से चेंज करना चाहें तो यहां से भी आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, आप देखें कि अगर फर्ज कर लें ये वाली एक पोस्ट है तो यहां पे ये जो लाइन लगी हुई है ये इसी तरह की यही वाली लाइन लगी हुई है। मैं इसको डिलीट करके अगर मैं इसको एक लाइन यूज़ कर देता हूँ जिसमें दोनों तरफ एरो होना चाहिए, मिसाल के तौर पे, तो मैं एक ये लाइन ड्रॉ की है मैंने और इस लाइन पे यहाँ पे जाके मैंने इसका स्टार्ट भी एंड पे कर दिया और इसका जो एंड है वो भी मैंने एरो के साथ कर दिया। तो ये कुछ इस तरह की शेप अगर आपको ये देखें अब वो ये नज़र आना शुरू हो गई। अब यहाँ पे इसका कलर भी मैं इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही रख सकता हूँ।
जो कि ये कलर है। तो ये देखिए मैंने अब लाइन जो है वो इसके मुताबिक एडजस्ट कर दी है। तो अपने डिजाइन के अंदर जो भी आप टेम्पलेट्स हैं उसमें लाइंस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आप इसको अपनी मर्जी से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और जिस तरह भी आप इसको चाहें इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या इसकी आप यहाँ से विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे अगर आप देखें तो आगे आपको नजर आएंगी शेप्स। शेप्स अगर देखें तो इसमें बेश बहा आपको डिजाइन मिल जाते हैं। अगर आप इस डिजाइन वाले टेम्पलेट में जाएं तो यहां पे मैं आपको जाके दिखाता हूं कि ये सारी की सारी शेप्स बहुत खूबसूरती से हर टेम्पलेट में यूज की गई हैं और आप अपनी मर्जी से भी इनको यूज कर सकते हैं। और मैं आपको हर जो भी बताऊंगा एक एक यूज उसका इस्तेमाल करना भी बताऊंगा। अगर मैं डिजाइन में जाऊं और यहां पे ये देखें तो यहां पे ये एक सर्कल है, ये भी एक शेप है। ये वाला आपको एक सर्कल डिफरेंट डिजाइन में नजर आ रहा है, ये भी एक शेप है। अगर आप ये वाला एलिमेंट देखें, एक आपको पेंटागॉन की फील में लुक में आ रहा है, तो ये भी एक शेप है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो ये भी एक शेप है और यहां पे ये जो डिजाइन है ये भी शेप है। तो आप डिफरेंट शेप्स भी यहां पे अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। यहां पे ये रेक्टेंगल देखें तो ये भी, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये भी शेप ही ड्रॉ की गई है, रेक्टेंगल ड्रॉ की गई है, फिर उसके अंदर शेप्स ड्रॉ की गई हैं, तो ये भी उसी तरह की गई हैं। तो वापस आते हैं हम अपने इस वाले पेज पे। ये सारी चीजें मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके मैं सेलेक्ट करके इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और वापस एलिमेंट में आता हूं तो यहां से मैं अपनी शेप्स को ड्रॉ करता हूं। जब मैं शेप्स ड्रॉ करता हूं यहां पे देखिए डिफरेंट अपनी मर्जी की आप शेप्स को रख सकते हैं। ये शेप है एक, ये शेप है इस तरह, आप ये एक शेप देख लें, इसमें भी शेप है, या ये शेप है, ये डिफरेंट शेप है। आपने क्या करना है, सिंपली उस शेप को क्लिक करना है और वो यहां पे आ जाएगी। और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी से इन डॉट्स के जरिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको यहां से आप पकड़ के इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसके जो प्रोपोर्शंस हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसको स्ट्रेच करना चाहें या इसको बड़ा या छोटा करना चाहें तो यहां से आप कर सकते हैं। इसी तरह यहां पे अगर आप करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो यहां से आप अपनी मर्जी का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से इसका मैंने कलर जो है वो ब्लू कर देता हूं, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूं, इसका कलर मैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से जो भी कलर रखना चाहें वो आप यहां पे रख सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट चार कलर ड्रॉ कर दिए हैं। यहां पे भी इसी तरह आप इनके गिर्द आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको एक रेक्टेंगल जो स्टार है वो नजर आ रहा है, तो यहां पे मैं इसकी थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए इसका बॉर्डर वो साइज भी चेंज कर सकता हूं। मिसाल के अगर मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ाता हूं या मैं इमेज को थोड़ा सा साइड पे करके ताकि आपको ये नजर आए, जब मैं इस बॉर्डर पे जाता हूं, अगर मैं इस बॉर्डर वेट को बढ़ाता हूं तो देखें एक बॉर्डर आप उसका निकाल सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा आप बॉर्डर बना दे, यहां से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप बॉर्डर लगा देंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आपके पास बॉर्डर के कलर का भी आ जाएगा। आप यहां से अपनी मर्जी का कोई बॉर्डर भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें तो वो बॉर्डर भी आप डिजाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर उसको दे सकते हैं। यहां से जो मैंने आपको बॉर्डर का बताया, देखें बॉर्डर आपको एक थिक लाइन में नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको इसका चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडिंग में हो, राउंड शेप में हो, तो यहां से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। देखें इसके जो शेप्स हैं ये यहां पे राउंड हो रहे हैं। इसी तरह इनको भी आप उसी तरह ही, अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो आप इसको बॉर्डर दे लें, और यहां से अगर आप इसको कॉर्नर करना चाहें, इसको राउंड में करना चाहें, तो ये भी अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। इन करने, ये जो जब आप कॉर्नर करते हैं तो उससे भी एक नई शेप डेवलप होती है जो कि बड़ी मजेदार होती है, जो आगे जाके हम देखेंगे कि पोस्ट के अंदर हम कैसे वो यूज करेंगे। तो आप यहां से अपनी पोस्ट को कॉर्नर में भी बॉर्डर बना सकते हैं। इस तरह ये देखें, अगर आप ये वाली ऊपर वाली पोस्ट है तो ये जो एक रेक्टेंगल है ये उसी तरह एक शेप ही ड्रॉ की गई है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं यहां पे सिंपल एक ये वाली पोस्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूं और इसको यहां पे रखता हूं, मैं यहां पे मैंने रखा इसको और यहां पे मैंने शेप ड्रॉ की है, यहां पे देखें हल्की सी। तो इस तरह करके मैं अपनी पोस्ट को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकता हूं या जो भी इसमें कोई ऐड करना चाहूं, कोई फीचर वो ऐड कर सकता हूं। इसमें अगर मैं आप कोई लाइन ऐड करना चाहूं तो यहां पे ये मैं एक लाइन भी ऐड कर देता हूं, हियर वी गो, और ये मैंने एक उसी तरह दो शेप्स को डिजाइन करके मैंने लाइन को एडजस्ट कर दिया है। इसी तरह आप अपनी पोस्ट को डिजाइन भी कर सकते हैं।
अगर आप एलिमेंट के अंदर आ जाएं तो दूसरे इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स नजर आते हैं, बने बनाए आपको क्लिप आर्ट्स में बड़े अच्छे खूबसूरत और डिजाइंड प्री प्लान्ड कस्टमाइज्ड आपको डिजाइन ग्राफिक्स में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगेन यहाँ पे ये सारा कुछ डिलीट करता हूँ। ये आप देखें एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमने लाइंस एंड शेप्स को देखा है कि उसमें क्या होती है और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमारे पास है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर बहुत ही मजेदार, जिस तरह मैंने आपको टॉप पे दिखाया कि एक रमजान क्रीम की पोज थी, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाले एलिमेंट लगे हुए थे। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी सी ऑल में जाऊँ तो यहाँ पे बेश बहा यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में आपको डिजाइन मिलते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से वो यूज कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे इस ग्राफिक्स को मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास डिज़ाइन आ गया है मौजूद। अब मैं इसको अपनी मर्जी से इधर ड्रॉ करके छोटा करके यहाँ पे रख सकता हूँ। फिर मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे भी रख देता हूँ। तो इस तरह करके आप अपनी पोस्ट के अंदर एक डिज़ाइन भी लिख सकते बना सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा। और अगर आप चाहें तो इसमें फर्दर जो आप एक एलिमेंट है, ये एक पोस्ट है, ये भी आप इसी डिजाइन के अंदर ही देखें। क्लिप आर्ट पड़े हुए हैं, मैं इसी से एक रमजान क्रीम की पोस्ट आपको बनाना सिखा रहा हूं। ये मैंने एक यहां पे पोस्ट की और मैंने इसकी एक डुप्लीकेट ले ली और मैं यहां पे, तो यहां पे देखें मैंने एक ये पोस्ट डिजाइन कर दी है सिर्फ इसी ग्राफिक्स को लेके। अगर आप चाहें तो इसमें फर्दर बहुत से ही बड़े खूबसूरत से डिजाइंस भी हैं, आप अपनी मर्जी से वो यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें टेक्स्ट देखें तो टेक्स्ट के ग्राफिक्स भी बने बनाए आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे हैप्पी ईद का एक टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ से उठाया है और मैंने यहाँ पे रख दिया है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर रखता हूँ और यहाँ पे मैं एक आइकॉन ये वाला यूज है ये कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ। अब ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ जो अवेलेबल हमारे पास थे डिजाइंस मैं उनको यूज करके ही यहाँ पे एक मैंने ये पोस्ट क्रिएट कर दी है। आप इसी तरह ग्राफिक्स में आप इनके जो हैं पोजीशंस आप इनको फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको आप एडिट और टोन भी कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह आप एक इमेज को टोन करते हैं आप उसको टोन भी कर सकते हैं। आप एडिट फोटो में जाएं, यहां से आप डिफरेंट तरह के उनके कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं, देखें कलर चेंज हो रहे हैं। और अगर आप इनको ब्लर देना चाहें या ऑटो फोकस है या आप इसको टोन के चेंज करना चाहें तो वहां पे भी आप इनके टोन चेंज कर सकते हैं। यहां पे देखें ड्यू टोन में जाएं तो आपको मल्टीपल इस तरह के टोन नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से टोन भी वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इनके एडजस्टमेंट में जाएं तो आप इनमें जो लाइट है वो भी ग्राफिक्स की, जिस तरह आप एक इमेज की चेंज कर रहे थे ऑलमोस्ट आप समझ लें इसमें वो सारे फीचर आ गए हैं जो आप एक इमेज के लिए यूज करते थे, वो सारे के सारे आप ग्राफिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं इसका जो कंट्रास्ट है, इसकी हाईलाइट है, इसका टेम्परेचर, टिंट, वो सारा कुछ अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। और अगर इसकी सैचुरेशन है अगर वो भी मैं करना चाहूँ, कलर को एडजस्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर हम वापस आ जाएं, मैं रीसेट कर दिया अपने एडजस्टमेंट में, तो इस तरह आपको ये तो पता लग गया कि अब आप ग्राफिक्स को कैसे अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो इसके नीचे आ जाता है थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो स्टिकर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें मिसाल के तौर पे मैं आपको डिजाइंस में यहाँ पे जाके दिखाऊं और यहाँ पे आपको मैं बताऊं वैलेंटाइन पोस्ट मैंने लिखा है डिजाइंस में जाके, तो ये देखें ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं ये वाले एलिमेंट ये सारे स्टिकर्स हैं, ये वाले भी स्टिकर हैं, ये भी आप देखें ये बड़े खूबसूरत से स्टिकर हैं, ये सारे के सारे, ये भी आपको जो हार्ट के आइकॉन नजर आ रहे हैं सारे स्टिकर्स हैं, आपको यहाँ पे ये अवेलेबल हैं। ये आपको स्टिल्स में भी मिल जाते हैं और आपको एडिट में भी मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इस पोस्ट को यहाँ पे एक ऐड पेज मैंने किया, खाली पोस्ट ली और मैंने यहाँ पे इसको ये इस पोस्ट को क्लिक करके एडिटेबल खोल लिया है। और वापस मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी के स्टिकर्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये सारे के सारे एडिटेबल, एनिमेशन बाय डिफॉल्ट होती है और आप एनिमेशन को स्टिल में भी यूज कर सकते हैं। जब हम एनिमेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इमोजीज हैं, कुछ फेस्टिवल के स्टिकर्स हैं, इसी तरह कुछ शेप्स के हैं, फूड के हैं, ट्रेंडिंग है कुछ,
और डिफरेंट तरह के आइकॉन यहाँ पे आप मौजूद हैं, आप अपनी मर्जी से इनको यूज कर सकते हैं। मैं आपको यूज करने का एक तरीका बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने सी ऑल में गया और यहाँ पे ये एक आइकॉन आपको इस पोस्ट के हिसाब से मुझे वो ठीक लग रहा है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें पोस्ट इसके अंदर आ गई है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट इसके पीछे चली जाए, तो यहाँ पे लेयर में जाके सेंड टू बैकवर्ड किया मैंने यहाँ पे आप अपनी मर्जी का देखें। ये स्टिकर भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हर तरह के स्टिकर्स मौजूद हैं, हर कैटेगरी के, हर जॉनरा के, हर नीश के आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाएंगे। आपको क्लिप आर्ट में भी मिल जाएंगे, आपको वेक्टर में भी मिल जाएंगे, और आपको पिक्सल में भी जो कुछ जिफ टाइप के आइकॉन है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। बस आपने इसको बड़ी डिटेल से यूज करने से पहले अच्छी तरह से गौर से देख लेना है। आपने करना यूज का इस्तेमाल मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और जो डिजाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा आप उसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा करके इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें तीन कलर यूज हो रहे हैं, तो टॉप पे जो भी सिलेक्ट होगा उसके जो इस्तेमाल होने वाले कलर हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू कलर है मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लू को सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी मर्जी का कोई इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो ये देखें ये ग्रीन हो गया। अगर ये वाला कलर मैं चेंज करके इसको ब्लैक करना चाहूँ तो ये देखें वो ब्लैक हो जाता है। तो आप अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं और फिर इसको अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम वापस आ जाएं अपने एलिमेंट्स में, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट फोटोज। अगेन मैं डिजाइन में जाता हूं और डिजाइन में देखिए ये जिस तरह भी आपको बैकग्राउंड पे नजर आ रही हैं ये आपको बहुत खूबसूरत हर नीश की, ये मैंने वैलेंटाइन लिखा है इस वजह से सिर्फ वैलेंटाइन की पोस्ट आपको ये नजर आ रही है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लिख देंगे, अगर आप कुछ सी लिख देंगे, जंगल लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे तो इस तरह की पोस्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़े अट्रैक्टिव और बड़े एलिगेंट आपको यहाँ पे ये देखें डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपको नजर आती हैं। ये वाली सारी की सारी बैकग्राउंड्स आपको एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे फोटोज में भी मिलती हैं। इन फोटोज को जब आप क्लिक करें, देखिए मैं अगेन एक नया पेज ऐड कर रहा हूं, इस नए पेज में अगर आप मैं फोटोज को क्लिक किया और सीएल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हर तरह की फोटोज मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं देखना चाहूं कि मतलब रमजान के हवाले से तो या इस्लामी तरीकों के हवाले से तो उस तरह की पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाती हैं। अगर आप देखना चाहें कि आपको रोमांटिक चाहिए, अगर आपको सी में चाहिए, जंगल चाहिए, नाइट मोड चाहिए, डे मोड चाहिए, तो यहाँ से आप डिफरेंट पिक्चर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है तो यहाँ से पोस्ट आपके पास आ जाएगी और आप अपनी मर्जी से उसको फिर एडजस्ट और स्केल आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप इसको आप टेक्स्ट रख लें, इसी तरह अगर आपने यूज़ करना है मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे जो मैं पीछे कोई ग्राफिक यूज कर लेता हूँ ये वाले, इसको मैंने छोटा किया और इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसको सेट करके आपने यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट ले लेनी है, तो ये आपके पास डुप्लीकेट आ गई है और यहाँ से आप उसको एडजस्ट अपनी मर्जी से जहाँ भी रख सकते हैं वो कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड यूज किया है और मेरे पास एक पूरी की पूरी पोस्ट आ गई है और यहाँ पे मैं उसको अपनी मर्जी से अब ये यूज कर सकता हूँ। इसके आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, इस पर अगर आप लाइन वर्क को ऐड करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर एलिमेंट के अंदर आप आ जाएं तो उसके नीचे आपको, अच्छा यहाँ पे फोटोज में आपको बता दूं, फोटोज के नीचे आपको वीडियोस भी है। ये वीडियोस और एनिमेशन वाला जितना पार्ट है पिछली आपने सब वीडियोस में देखा होगा वो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले सिर्फ आप जो स्टिल पोस्ट और स्टिल एलिमेंट्स और जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए, उसके बाद हम सेम जो तरीकेकार होगा वो वीडियो के लिए भी होगा, तो सेम फिर हम वीडियो जल्दी जल्दी उसको हमें समझ भी आ जाएगी, चूँकि हमें स्टिल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो वीडियोज़ पर अप्लाई करना हमारे लिए वो बहुत आसान होगा। इस वजह से वीडियो का पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ अगली वीडियोज़ के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टिल फोटोज हैं, अगर आप अपनी मर्जी की फोटो ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नाइट स्काई। तो यहाँ पे देखिए नाइट स्काई की अगर आपको डिफरेंट मिल जाएगी, यहाँ पे आप लिखते हैं रोमांटिक बैकग्राउंड्स में लिखता हूं, तो यहाँ पे आप देखें आपको रोमांटिक जो रोमांटिक बैकग्राउंड्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स आप जो भी जिस तरह की भी पोस्ट देना चाहें आप यहां पे लिख दें मार्केटिंग, तो ये देखिए आपके पास मार्केटिंग की सारी पोस्ट
वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप इसको अपनी मर्जी से अपने टेम्पलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक इस्तेमाल करके भी दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने ऐड पेज किया और मैं यहां पे डिजाइन में गया और यहां पे डिजाइन में मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की ये पोस्ट मेरे पास आ गई है, मैंने इस पोस्ट को क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि इस वाली पोस्ट में मैंने ये वाली जो पिक्चर है वो मुझे पसंद नहीं आई है और मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और मैं अब अपनी मर्जी की यहां पे इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई पिक्चर लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एलिमेंट में जाऊंगा और यहां से मार्केटिंग लिखूंगा। मार्केटिंग लिख के जब मैं इसको फिल्टर करूंगा तो यहां पे नीचे मेरे पास देखें मार्केटिंग की सारी इमेजेस वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी एक इमेज को यहां पे सेलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दें और इस तरह आप अपनी मर्जी की यहां से पोस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इमेज, अब ये पोस्ट मैंने एडजस्ट कर दी तो आप यहां से हर तरह की आपको पोस्ट मिल जाएगी। जो भी आपको जॉनरा या नीच की आपको पोस्ट चाहिए वो आप यहां से उठा सकते हैं और अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अब आगे आ जाए, अगर आप, मैं एक एड पेज कर लेता हूं अगेन और इसको यहां से इसका कलर व्हाइट रखता हूं। आप एलिमेंट्स में जाएं तो यहां पे ये फोटोज के बाद वीडियोस का आइकॉन है वो मैंने यहां पे छोड़ दिया है। उसके बाद यहां पे चार्ट्स आ जाते हैं। यहां पे बड़ी खूबसूरत इसमें ये फीचर है चार्ट्स एंड टेबल्स। ये इसमें अगर आप जाएं तो इसमें बहुत किस्म के यहां पे आपको चार्ट जो ग्राफ्स होते हैं वो आपको यहां पे मिल जाते हैं। कोई 10-12 किस्म के यहाँ पे आपको चार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप देखें यूज़ करना चाहें, इनको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा आसान होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी एक चार्ट को क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको चार्ट नज़र आ गया है। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो आप इनको यहाँ से अपनी मर्जी से कलर भी इनके चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज किया इसका कलर, इसका एक कलर मैंने रख दिया और तीसरे का मैंने कलर ग्रीन रख दिया। तो आप तो एक अपनी मर्जी, या चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये वाला कलर अपनी मर्जी से आप चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एडिट में जाएं तो यहां पे जितना बाय डिफॉल्ट डेटा है ये आप यहां से इसको क्लियर भी कर सकते हैं और यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे 0 लिखा हुआ है तो यहां पे अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो ये देखें ये जो 10 के अंदर जो पहला मेरी सीरीज थी जो रेड वाली है वो हो गई है। अगर मैं ये जो दूसरा पार्ट है वो मैं 20 तक करना चाह रहा था अपना रेड वाला पार्ट तो यहां से मैं 20 कर दूंगा। ये उम्मीद है आपको ग्राफिक्स के बारे में, चार्ट के बारे में तो पता ही होगा कि वो कैसे यूज करना है। अगर आप ये वाला डाटा यूज नहीं कर सकते तो आप यहां से क्लियर डाटा करके आप यहां से अपनी मर्जी का भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी राइट क्लिक करके किसी भी कॉलम को और रो को आप डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने, या आप एक्सेल की कोई शीट ले लें, चले मैं यहां से एक्सेल की शीट में आपको कुछ दिखाता हूं कि मैं लिखता हूं आइटम 1 है वो मेरी है 20, इसी तरह आइटम 2 है वो है 10, इसी तरह आइटम 3 है वो है 50। अगर आपके पास इस तरह, यकीनन आपके पास जो अगर कोई बड़ा चार्ट है, जितनी मर्जी बड़ी शीट है, तो आप सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसको कंट्रोल या कमांड कॉपी करके वापस आप अपने उस चार्ट पे आएंगे और यहाँ पे आप इसको अगर पेस्ट कर देंगे तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे ये पेस्ट भी हो जाएगा और अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आइटम 4 और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 60। तो इस तरह यहाँ पे आप अपनी मर्जी का शीट ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई दूसरा कॉलम ऐड करना है तो अगर आप यहाँ पे लिख दें 5 5 5 तो ये भी इसमें आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी मर्जी का दूसरे कॉलम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, ताकि आपको अंदाजा हो कि दूसरे पार्ट में ये किस तरह हुआ था। अगर आप यहाँ पे इसके एडिट में जाएंगे तो यहां से आपको एक और चीज बताऊं कि टॉप पे आप अगर आप देखें तो आपको स्टैक बार चार्ट लिखा हुआ है, इसको स्टैक बार चार्ट कहते हैं। अगर आप इसकी लुक चेंज करना चाहते हैं तो आप बार चार्ट को भी इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें फर्दर जाएं तो आप रो चार्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप और देखें तो स्टैक रो चार्ट में भी कर सकते हैं, लाइन वर्क में भी आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डोनट है, फनल है, हर तरह का यहाँ पे आप अपनी मर्जी का चार्ट वो बना सकते हैं और इसको भी आप अपने पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लास्ट पे देखें तो आपके पास जो ये चार्ट आ गए हैं, आपके पास
चार्ट्स के बाद आपके पास उसी तरह टेबल्स भी हैं, आप अपनी मर्जी का अगर कोई टेबल ऐड करने हैं तो यहां से आप टेबल ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहां पे बॉर्डर में जाएं तो आप अपनी मर्जी का यहां से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी जो विड्थ है स्पेसिंग है वो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, सेल की स्पेसिंग अपनी वो चेंज कर सकते हैं आप इस तरह करके। और अगर आप डिफरेंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हैं, आप जिस डिज़ाइन में भी चाहें आप वो टेबल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मल्टी इस तरह का टेबल आप यूज़ करना चाहिए और फिर बाद में इस पर आप टाइपिंग वगैरह करके अपनी मर्जी का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे एलिमेंट्स में आ जाएं तो आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा फ्रेम्स एंड ग्रिड्स। ये भी मैं एक नए पेज पे जाता हूँ और मैं आपको डिज़ाइन में जाके मिसाल के तौर पे आप ये एक चीज देख रहे हैं, एक खास फ्रेम के अंदर आपका इमेज लगा हुआ है। ये भी देखें एक पैरामिड है, इसके अंदर पेंटागन है आइकॉन सेल, उसके अंदर इमेज लगा हुआ है। इसी तरह ये एक मोबाइल के अंदर इमेज लगा हुआ है, इसी तरह ये सर्कल के अंदर है। अगर आप देखें तो ये भी एक पेंटागन का इमेज है, हेक्सागन है, यहाँ पे भी आप इमेज देख रहे हैं इसके अंदर लगा हुआ है। ये सारे का सारा जिस शेप के अंदर आप पिक्चर लगा सकें उसको हम फ्रेम्स भी कहते हैं और ग्रिड्स भी कह सकते हैं। अगर आप फ्रेम्स में जाएं, यहाँ पे मैं सी ऑल करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हर तरह का मेरे पास फ्रेम्स अवेलेबल है। फ्रेम्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक सेल फोन का फ्रेम है, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये इसके अंदर मैं कोई पिक्चर लगाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से एक फ्रेम लूंगा और फ्रेम के अंदर मैं कोई अपनी मर्जी की पिक्चर यूज़ कर लूंगा। मैं दोबारा यहाँ पे गया हूँ और यहाँ से मैं फोटोज में गया हूँ और यहां पे मैं लिख देता हूं फैशन। तो ये एक इमेज है, मैंने ये उठाया है, ये उठा के जैसे ही आप इमेज इसके ऊपर रखेंगे तो ये देखिए आप इसके अंदर आपका इमेज हो गया है। अगर आप इस इमेज को एडजस्ट करना चाहें यानी इसको रीपोजिशन करना चाहें तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, पूरे का पूरा इमेज आपके पास आ जाएगा। आप इसको अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और जहां पे आप एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एडजस्ट कर लें तो फ्रेम के बाहर आप क्लिक कर दें तो ये फ्रेम आपका एडजस्ट हो गया है। अब ये फ्रेम के अंदर पिक्चर एडजस्ट हो गई है। अगर आपने अब पूरे फ्रेम को छोटा या बड़ा करना है तो आपको मैंने बताया जो कॉर्नर पे आपको डॉट्स नजर आते हैं, जो हैंडल्स नजर आते हैं, आप इसको पकड़ के अपनी मर्जी का ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह आप वापस एलिमेंट्स में आए और मैं आपको दोबारा फ्रेम्स में लेके जाता हूं तो यहां पे देखें डिफरेंट किस्म के फ्रेम्स हैं। यहां पे जिस तरह ये वाला एक हम उठा लेते हैं फ्रेम, इसके अंदर अब मैं कोई इमेज अगर लगाना चाहता हूं तो मैं ये फोटोज में गया हूं मैं और यहां से मैं लिखता हूं ट्रेवलिंग। ये एक आपको पिक्चर नजर आ रही है तो यहां पे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और सिंपली इसके ऊपर जाके जब मैं इसको रखूंगा तो ऑटोमेटिकली देखें उसके अंदर पिक्चर एडजस्ट हो गया। आप इसको डबल क्लिक करके अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं जहां पर भी आप रखना चाहें। तो इस तरह आप शेप्स को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। अब अगर आप डिजाइन के अंदर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये सारी के सारी जो पिक्चर्स लगी हुई हैं ये शेप्स के अंदर लगी हुई हैं। आप इसको एडिट कैसे करना है वो आपको उसका तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वाले इमेज जो सारा है ये मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक पोस्ट लिया, इसको क्लिक किया और ये एडिटेबल आ गया। इस वाली पोस्ट को मैं यहाँ पे ये शेप मुझे पसंद नहीं आई थी, ये मैं अब ये शेप डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का यहाँ पे एक शेप वो ड्रॉ करता हूँ जिसको आप फ्रेम कहते हैं। यहां से मैं एक फ्रेम ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक फ्रेम मुझे अच्छा लगा है तो मैंने इस फ्रेम को यहां से सेलेक्ट करके इसको यहां पे रखा है और इसके अंदर मैं आपको इमेज यूज करना चाहता हूं तो मैं उसी तरह वापस फोटोज में जाऊंगा, सी ऑल पे मैंने क्लिक किया और यहां पे मैं लिखता हूं मार्केटिंग और मार्केटिंग की ये वाली जो पिक्चर है इसको उठा के मैं इस डिजाइन के अंदर रखता हूं तो ये देखिए मेरा डिजाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस डिजाइन को पकड़ के मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकता हूं। तो इस तरह मैं डिफरेंट फ्रेम्स को अपनी पिक्चर के अंदर एडजस्ट कर सकता हूं। वापस अगर आप आ जाएं फ्रेम्स में, जिस तरह आप यहां पे डिफरेंट फ्रेम यूज कर सकते हैं उसी तरह आप यहां पे डिफरेंट ग्रिड्स भी यूज कर सकते हैं। ग्रिड्स भी बड़ा अच्छा तरीका होता है इस्तेमाल करने का। अगर आप यहां पे डिजाइन में जाएं और यहां पे मैं लिखूं फैशन की कोई पोस्ट तो आपको जरा बेहतर तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम ग्रिड कैसे यूज करेंगे। अगर आप ये वाली पोस्ट देखें तो ये ग्रिड यूज किया गया है। अब ये किस तरह आप बनाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं इनको यहां से डिलीट कर देता हूं
और मैं यहाँ से एलिमेंट्स में गया और मैं अपनी मर्जी का यहाँ से देखता हूँ जो मुझे सही लगते हैं फ्रेम्स, मैं वो यूज़ करूँगा। ओके फाइन, मैं ये वाला जो है ये वाला यूज़ करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा है, ये फ्रेम यूज़ किया और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी के इसके अंदर पिक्चर्स लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगेन फोटोज़ में जाऊँगा, पहले आपने फोटोज़ को क्लिक करना है और फिर इसके सर्च बार के फिल्टर में जाना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैशन। तो एक इमेज मैं ये ले लेता हूँ और मैं इसको इस पिक्चर में रख दिया मैंने और इसको अपनी मर्जी से मैं सेट कर लेता हूँ। अब दूसरा मैं ये वाला एडजस्ट कर लेता हूँ और तीसरा मैं ये वाला एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह आप ग्रिड्स भी अपनी मर्जी से पोस्ट में यूज कर सकते हैं और बड़े अच्छे किस्म के आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिजाइन मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब वापस आ जाए एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स में लास्ट पे आपके पास एक बहुत ह्यूज कलेक्शन है क्लिप आर्ट्स की, यानी कि कार्टूनिक इमेजेस हैं हर तरह के, आपको पॉलिटिक्स है, आपको फैशन है, आपको ट्रेवलिंग है, कुकिंग है, आईटी है, आप मार्केटिंग है, एजुकेशन है, फन है, गेम्स हैं, हर तरह के एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे ये आप कलेक्शन में आ गए, यहाँ पे यहाँ के इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये किस किस्म की यहाँ पे कलेक्शन है। आपको यहाँ पे आपको यानी कि इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, आप अपनी मर्जी के वो सारे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई आइकॉन वो आप यूज कर सकते हैं। अगर जो भी पसंद आए आपको, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो आपने यूज कर लेना है। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से मैं अभी उठा नहीं रहा कोई, चले मैं ढूंढता हूँ कोई अपनी इस पोस्ट के मुताबिक, या चले इस पोस्ट के मुताबिक कुछ ढूंढ लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे बड़े अच्छे कुछ एलिमेंट मुझे मिल गए हैं। मैं इनको उठा के सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूंगा और अपनी मर्जी से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इसको। उम्मीद है अभी आपको एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आप लाइन और शेप्स में कैसे काम करते हैं, ग्राफिक्स में क्या क्या अवेलेबल है, स्टिकर्स कैसे आप यूज़ करते हैं, उसके बाद फोटोज़ आप कैसे अपनी मर्जी से ढूंढते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। वीडियोज़ का पार्ट हमने छोड़ दिया था, ऑडियोज़ का पार्ट भी जो हम वीडियो के साथ ही वो इकट्ठे ही करेंगे। उसके बाद चार्ट्स मैंने आपको समझा दिए, टेबल्स, फ्रेम्स एंड ग्रिड्स का मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे क्लिप आर्ट के बारे में भी आपको बता दिया है। उम्मीद है इसके बारे में अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी पोस्ट टेम्पलेट्स के अंदर अपनी मर्जी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो टेम्पलेट्स में यूज़ हुई हुई हैं या जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एलिमेंट्स में मौजूद होंगी, सिर्फ आपको वहाँ पे जाके देखना है।